नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में मौसम बदलने से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बादल छट गए हैं और धूप निकलने लगी है, लेकिन अभी ठंड नहीं गई है। अभी भी सुबह व शाम में पर्याप्त मात्रा में ठंड है। इसमें अधिकतर मरीज सांस, हृदय रोग, स्किन डिजीज, सर्दी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। इसमें सभी छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें जो लोग बाइक चलाते हैं और सुबह व शाम के समय बाहर रहते हैं, उनको ज़्यादा ठंड लगने की संभावना रहती है। इसलिए घर से पर्याप्त मात्रा में कपड़ा पहनकर चलना चाहिए। यदि गर्म का एहसास होता है तो कपड़े निकाल लें, यदि मौसम सर्द लगे तो अपने कपड़े पहन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। उन्होंने बताया कि मौसम के अनुसार सीजनली ताज़े फल व सब्जियों का सेवन करें। इस समय सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय मौसम प्रदूषित रहता है, जिसकी वजह से अस्थमा मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में ज़्यादा आ रही है। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए मौसम में बदलाव शुरू हो गया है और जैसे पिछले 3-4 दिनों से बादल छट गया है और धूप निकलने लगी है, लेकिन अभी ठंडक गई नहीं है। ये सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में ठंडक है और इस मौसम में अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो इसमें खास करके श्वास की बीमारियां और हृदय रोग की बीमारियों के मरीज अत्यधिक आते हैं और इसी के साथ साथ स्किन डिजीजेस के मरीज भी आते हैं। इसमें विशेष सावधानी छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को बरतने की जरूरत होती है और जो खास करके जो बाइकर्स होते हैं जो सुबह शाम जाते हैं।